गाइस, एक कश्मीर सीरीज़ हम लोग अभी कवर कर रहे थे और एक कश्मीर सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाया है गाइस मैंने। ये इंटरेस्टिंग और यूनिक इसलिए है गाइस क्योंकि ये जो ट्रैवल ब्लॉग मैंने कश्मीर का बनाया है वो मैं अपने दोस्त के साथ बनाया था। वो कश्मीर का ही मेरा दोस्त था, नेटिव था, उसका नाम मुस्तफ़ी था गाइस। तो गाइस, इस कश्मीर सीरीज़ में काफ़ी यूनिक एंड लोकल इंसाइट्स ऑफ कश्मीर आप लोग को देखने को मिलेगा गाइस। और इस कश्मीर सीरीज़ में गाइस, जानते हो, हम लोगों ने 11 ब्लॉग बना दिया गाइस। और इस 11 ब्लॉग में गाइस, पता है, मुगल गार्डन हो गया, जैसे डल लेक का डे एंड नाइट का व्यू हमने कवर किया था गाइस, हॉर्स राइडिंग इन गुलमर्ग कवर किया था गाइस, और बूटा पत्री का रिवर गाइस काफ़ी अमेजिंग था गाइस, बहुत ही मज़ा आया था मुझे तो। और गोंडोला राइड कवर किया था गाइस हम लोग गुलमर्ग में। तो काफ़ी चीज़ें हमने इस गुलमर्ग वाले सीरीज़ में और यू कैन से कश्मीर वाले सीरीज़ में कवर किया है गाइस, एंड आपको काफ़ी मज़ा आएगा गाइस। तो गाइस, अब आप लोग इन्जॉय करो लास्ट ट्रैवल ब्लॉग ऑफ कश्मीर सीरीज़, डैट इज़ 11th वन। आई होप कि ये कश्मीर का ट्रैवल ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अपन कहाँ तक किस हद तक जा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? अपने ट्रेकिंग ग्रुपिंग भी की, ट्रेकिंग ट्रेकिंग भी मैंने गुलमर्ग में ट्रेकिंग की। अपने डर से बाहर निकलने के लिए हमेशा अकेले ट्रेवल करना एक उचित विकल्प रहता है। हम लोग कश्मीर तो काफी खूबसूरत जगह है भाई, मैं तो पहली बार आया जैन की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अभी 2-4 दिन मैं यहाँ पे रहा, काफी वीडियो बनाया मैंने और अभी डालूंगा पापा सॉरी पे। और काफी देखो कैसा जाता है, वायरल होता है कि नहीं होता है। अभी तो हमारी ट्रेन हम लोग को ले जाएगी बनिहाल, बनिहाल से पकड़ेंगे बस और जाएंगे जम्मू, और जम्मू से पकड़ेंगे ट्रेन सीधा दिल्ली, जाएंगे दिल्ली। तो यही है, खतरनाक जर्नी है बस वाली, बनिहाल से जम्मू का 5 घंटे लगेंगे गाइस। और देखो गाइस कैसा रहता है। लैपटॉप से तो ब्रो आप बताओ, मैं आपको वीडियो डालूंगा। कहाँ से आए हो? रामबन से। रामबन से अभी कहाँ जा रहे हो? अभी बनिहाल। बनिहाल जा रहे हो? तो आप कहाँ, मतलब अभी पापा के पास जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? काम करने जा रहे हो? नहीं, काम मेरे पास तो काम की जरूरत नहीं है फिलहाल, ऐसी टूरिस्ट टूरिस्ट ऐसे घूमने जा रहे हो। सही है, आपको भाई है? नहीं, अपने ही गाँव का है तो ले गया इसको, ले लिए घूमने के लिए। नहीं नहीं ये तो अपने घर जा रहा है। अच्छा, अपने घर जा रहा है वो। तो यार सही है यार, तुम लोग कश्मीर तो काफी खूबसूरत जगह है भाई, मैं तो पहली बार आया जैन की, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अभी 2-4 दिन मैं यहाँ पे रहा, काफी वीडियो बनाया मैंने और अभी डालूंगा पापा सॉरी पे। और काफी देखो कैसा जाता है, वायरल होता है कि नहीं होता है। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि वायरल हो जाएगा। हाँ दुआ करो यार अल्लाह से कि हो जाए। ठीक है, यही गाइस हम लोग इस ट्रेन में चल रहे हैं और ये ट्रेन हम लोग को ले जाएगी बनिहाल, बनिहाल से पकड़ेंगे बस और जाएंगे जम्मू, और जम्मू से पकड़ेंगे ट्रेन सीधा दिल्ली, जाएंगे दिल्ली। तो यही है गाइस, हम लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वो तो कर लेंगे बंदे, जिनको पसंद आएगा वो कर देगा, जो नहीं करेगा उसको जबरदस्ती थोड़ी करा सकते, बात हुआ है ना। तो यही है गाइस, मज़ा आया मेरे को जे एन के में घूमने में। और अभी देखो बस का यार सबसे खतरनाक जर्नी है बस वाली, बनिहाल से जम्मू का 5 घंटे लगेंगे गाइस। और देखो गाइस कैसा रहता है,
आते समय तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, अब देखो जाते समय दिक्कत होता है कि नहीं होता है। तो यही है गाइस, तो गाइस हम लोग अभी पापा सॉरी पे हैं और हम लोग बनिहाल जा रहे हैं इस ट्रेन से। मेरे भैया हैं जो मिले हैं। आपका नाम भैया? सर मेरा नाम झुंझुनू है। झुंझुनू का आपका नाम? मेरा नाम सुनील सिंह है। सुनील ये भैया मिले हैं भाई, मैंने इनसे बात किया है और अभी पूरा ट्रेन का ब्लॉग बनाएंगे और कुछ इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भैया आप जल्दी सीखिए, कोशिश करूंगा कि मैं कुछ जानकार बनूं। हाँ वैसे हिंदी के मामले में कुछ जानता हूँ पर अंग्रेजी के बारे में नहीं जानता। वो भी सही है, कोई बड़ी बात अभी इच्छा होना चाहिए। कोशिश कोशिश जाता हूँ ट्रेन कर। तो गाइस वी आर ऑन पापा सॉरी। तो गाइस मैं आप लोग को ब्लॉग दिखा रहा हूँ ट्रेन का, कश्मीर का ट्रेन का। तो यही देखते हैं गाइस कैसा बनता है ब्लॉग। गाइस यही था। वही तब पूरा ट्रेन का मैं ब्लॉग बना रहा था। तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसे दिखता है। यही है गाइस यहाँ का कश्मीर का ट्रेन। काफी इजी जर्नी हो जाता है यहाँ से। और काफी आसान है यहाँ पे चलना। अभी हम लोग का स्टेशन आने वाला है बनिहाल स्टेशन। ट्रेन खाली रहती है यहाँ पे और यही था गाइस पूरा ट्रेन का आप लोग का ब्लॉग दिखा दिया। बस यही रहती है ये लोकल ट्रेन कश्मीर का। Did you get ready in the dark or something? You look like a beautiful nightmare. Don't you know?
Hey guys, we are on Papa Sorry and हम लोग बनिहाल में अभी, और बनिहाल में जब मैं श्रीनगर से आ रहा था तो उस ट्रेन में, लोकल ट्रेन में एक भाई भाई मिले और उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे को डाल लेक भी देखा था और वही ट्रेन में वो आके मेरे से बात किए और अभी उनके साथ ऐसा हो गया कि हम लोग लंच कर लिए एक साथ। तो ये गाइस, मैं भाई का एक्सपीरियंसेस अभी रिकॉर्ड करूँगा कि कैसा रहा उनका जर्नी अभी तक का। तो ब्रदर, आपका नाम क्या हुआ? ब्रदर मेरा नाम धीरज शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आया हूँ। ओके, बोलते रहिए। लगभग 4 तारीख को मैं यहाँ आया था। 4 को आए थे आप? हाँ। अच्छा, और अभी मुझे लगभग 5 दिन यहाँ गए थे और कल शाम तक मैं और यहाँ रुकने वाला हूँ। आप अकेले आए थे? हाँ, अकेले। मुझे क्या है, अनुभव करना था जीवन के, इस सिंगल मेरे को घूमना है कि अपन कहाँ तक इस सब तक जा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। मैंने ट्रेकिंग ग्रुपिंग भी की, ट्रेकिंग की मैंने गुलमर्ग में, ट्रेकिंग की दूधपत्री में, ट्रेकिंग की। ते ट्रैकिंग कितना टाइम लगा दूधपत्री वाले? 3 घंटे। ट्रैकिंग का क्या मतलब, ट्रैकिंग का क्या रहता है? वो लोग गाइडिंग जो गाइड करता आप लोग, वो लोग कितना चार्ज लेते हैं? 200 रुपए से 500 रुपए तक रहता है गाइड का। अपन जो दे लेते हैं क्योंकि इतनी मेहनत रहती है तो अपन खुद ही अपने हिसाब से उनको पैसे दे देने चाहिए। मेन चीज ये है कि अपन अपने डर से बाहर निकलने के लिए हमेशा अकेले ट्रेवल करो, एक उचित विकल्प रहता है। जब आप अपनी सभी लिमिटेशन को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं, विश्वास नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आत्मविश्वास जब आपको बढ़ेगा तो फिर भीड़ में आपको पहचानेंगे। बिल्कुल अलग दिखना जरूरी है भीड़ से। और फिर अपन सबसे खराब आदत छोड़ देते हैं सारा लेने। मुझे 2 कदम दूर जाना है, कोई साथ चलेगा तो जाओ। अच्छा, तो आपने इसलिए डिसाइड किया कि मेरे को अकेले इस बार एक्सप्लोर करना है जैन के, तो करना है, तो अल्टीमेटली आपने कर भी लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, नए नए लोगों से, नए नए तरीकों से मुलाकात करने का। वो यार लोकल्स कैसे लगे? सब बढ़िया है, व्यवस्थित लगे, ऐसा कुछ लगा नहीं। कोई ज्यादा फियर वियर जो? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया। और तो स्थानीय लोग, उन लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगा, किसी भी प्रकार का कोई कोई मतलब बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। ना ना भाई साहब, भाई का बैड एक्सपीरियंस रहा जेएनके का, ना पापा सॉरी का रहा बैड एक्सपीरियंस। मेरा भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो मेरा दोस्त था उसका नाम मुस्तफ़ी था, मैं उसी के घर में रुका और मतलब वही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस। तो यही था गाइस, मैं सोचा भाई के साथ एक शॉर्ट हो जाए क्योंकि भाई मेरे को आके मिले थे और बात के लंच की एक कनेक्शन सब बैठ गया था। ओके गाइस,
बोलेंगे क्या? जी मैं क्या आपका क्या नाम है? और इजावर से। ओके तो भैया ये आपकी क्या कैब कहाँ से ले सकते हैं लोग तो लेना चाहे तो? वो बानिहाल से जम्मू तक, बानिहाल से जम्मू, बनिहाल से, और जम्मू से बनिहाल भी जाते हो? हाँ जम्मू से बानिहाल भी, वो काटरा मनाली भी अगर जाए, हिमाचल भी जा रही है तो वहाँ भी जाते हैं। आप सर्विस में क्या नाम है, कौन से ट्रैवल एजेंसी का नाम चलता होगा? शाबाद ट्रैवल एजेंसी। एक बार और बोल दो। शाबाद ट्रैवल एजेंसी। भाई ये जो भाई जो भैया बता रहे हैं वो ट्रैवल एजेंसी काफ़ी ट्रस्टवर्दी एजेंसी है और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो कहीं भी जाने के लिए, काटरा भी जाने के लिए और हिमाचल शिमला ये सब लोग देते हैं उनको सर्विस। गाइस यू कैन टेक, काफ़ी अच्छी ड्राइविंग है भैया की और सर्विस मेरे को तो अच्छा लगा भाई, जो मेरे को जो अच्छा लगा वही बोल रहा हूँ। और काफ़ी फास्ट भी था, टवेरा था, एक जाते समय मैंने काफ़ी ख़राब गाड़ी ली थी, बेकार था, बैटरी वाला काफ़ी अच्छा था। गाइस गाइस वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम बाबा सॉरी। ओके गाइस लेट्स सी जम्मू में क्या करते हैं, एक दो एक्सप्लोर करेंगे कुछ कर पाए तो। So guys, we are on Papa Sorry and you will see this Baghe Bahu ये जम्मू में है और हम लोग देखते हैं इसका ब्लॉगिंग करेंगे। और ये भाई लोग हैं महाकाली के पास है ये। तो यही गाइस से लास्ट मैं कवर करूँगा ये पार्क, इसके बाद दिल्ली जाना है मेरे को। तो गाइस देखते हैं कैसा है अंदर से। ओके गाइस यही था ये बागे बहु में आ रखे हैं और ये काफी अच्छा। तो जम्मू का हम लोग ब्लॉग कवर कर रहे हैं और यही तो गाइस जम्मू का ब्लॉग हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें बागे बहु पता नहीं ये नाम क्यों रखा गया है बागे बहु। और ये गाइस देखो ब्यूटी, बागे बहु कुछ होगा यार बहु का नाम का, बहु तो वैसे ही बवाल करती रहती हैं। ये गाइस बागे बहु में चिल्ड्रन पार्क भी है और एक पार्क तो कवर कर लिए बागे बहु। और ये देखो भाई जम्मू, सर आपने इधर से जाना घूमने, ठीक है? ओके तो भाई ये काफ़ी बड़ा स्क्रीन है और लेक भी है, अच्छी लग रही है, काफ़ी हाइट पे आ गए हम लोग। और ये देख लो जम्मू सिटी, रियली में मैम काफ़ी अच्छी सिटी लग रही है, यहाँ से कैप्चर हो रहा है यहाँ पे यूट्यूब चैनल गाइस पापा सॉरी। तो भाई यही पार्क है, पार्क के हम लोग टॉप में आ रखे हैं, ठीक है? और ये पार्क काफ़ी बड़ा है भाई और अभी हम लोग नीचे जाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो चाहिए गाइस ऊपर से आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है जम्मू, ठीक है? तो गाइस लाइव
तो गाइस ये काफी अच्छा पार्क था, मुझे काफी अच्छा लगा भाई। कमला मिलेंगे अभी। हे गाइस वी आर ऑन पापा सॉरी। और जानते हो ब्रो, आज मैं जिस ट्रेन में आ रहा हूँ उस ट्रेन में भाई लोग मिला मेरे को, और ये भाई लोग काफी अच्छा था। भाई लोग ये पापा सॉरी के लोगों ने काफी सपोर्ट किया है, और अभी उन्हीं का ब्लॉग बनेगा ब्रो पापा सॉरी पे। तो अभी देखो गाइस लोग ये लोग आए, तो गाइस लोग हाय बोल दो आप लोग। तो अभी ब्रदर से बात करेंगे। भाई आप कहाँ जा रहे हो बताओ। हेलो एवरीवन, मैं अभी जा रहा हूँ बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी, और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। ओके, और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका दौसा से आगे पड़ता है, 36 किलोमीटर है। अच्छा, हाँ मेहंदीपुर बालाजी। और भाई लोग सब मिले इनके साथ, काफी अच्छा लगा। ये सारे भाई लोग मुजफ्फरनगर के हैं। आप लोग सेम जगह पे जा रहे हो? नहीं, ये लोग खाटू श्याम जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम खाटू श्याम, खाटू श्याम जा रहे हैं। अच्छा, खाटू श्याम जी जा रहे हो, तो आप लोग सब ग्रुपिंग में जा रहे हो? जी, हां जी, सब लोग ग्रुपिंग में। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। आप लोग का एनर्जी, भाई का क्या, किस नाम से चैनल है? पापा सॉरी। भाई भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, पापा सॉरी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। और तो गाइस सारे के सारे की, और गाइस देख हम बात करते करते बस मुझे बनेगा नरेश की जय, बस मुझे बनेगा वालों की जय। तो गाइस देख रहे हो पापा सॉरी पे भाई लोग का एनर्जी लेवल कितना हाई है, और ये लोग भाई लोगों ने काफी सपोर्ट किया पापा सॉरी को। भाई दिल खुश कर दिया। ये जो मैं गुलमर्ग गया था जेन के, 5 दिन का जो ट्रिप था मेरा, वो उसका जो एंडिंग है काफी अच्छा हुआ एंडिंग इसका, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रदर्स। तो भाई बहुत मजा आया मेरे को यहाँ पे पापा सॉरी पे। तो वही था गाइस, मैं बस भाई लोग के साथ एक ब्लॉग करना चाह रहा था, तो लास्ट ब्लॉग मैं यहीं से एंड करूँगा। गेन के का ब्लॉग का एंडिंग मैं ये भाई लोग के वीडियो से करूँगा। अभी काफ़ी स्मार्ट ही बंदे हैं, और ये पापा सॉरी के सब सपोर्टर हैं। कहाँ अभी सब्सक्राइब नहीं करा? नहीं, सब्सक्राइब कर भाई। तो गाइस यही था वी आर ऑन पापा सॉरी, एंड भाई अपना पापा सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सामने लाइक सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब बोल ही नहीं पा रहे। तो गाइस यही था भैया, इस ट्रेन में 5 बड़ा तमला बन चल जाऊं नीचे बोल भैया। चलो भाई मजा आ गया भाई, आयो आयो घर जाकर भाई का ब्लॉग देखो पापा सॉरी पे, सब्सक्राइब करो भैया भी। यस 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 यस, ठीक है ना? और भाई बोल रहे हो अंकल मैं तो कर दिया। ओके बोल खाटू श्याम की जय, बोल हारे के सारे की जय, खाटू नरेश की जय, दातार की जय, सर बालाजी धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आप लोग का भाई, भाई का क्या, किस नाम से चैनल है? पापा सॉरी। भाई भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।